दोस्तों भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली जाने वाली 5 T20 मैचों की सीरीज के पहले T20 मुकाबले के लिए भारत की टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान हो चुका है, जहां भारत की टीम ने ऐसे ऐसे खतरनाक खिलाड़ियों की एंट्री हुई है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। वही भारत की टीम ने रोहित के बाद अपने नए कप्तान का भी ऐलान कर दिया है और भारत की युवा टीम पूरी तरह से तैयार है वर्ल्ड क्रिकेट पर डोमिनेट करने के लिए। इस जगह पर आप मोबाइल और टीवी में फ्री में देख पाओगे इस सीरीज का हर मैच। तो क्या है पूरी खबर, आखिरकार क्या कुछ है भारत की पहले T20 के लिए प्लेइंग 11, आखिरकार भारत ने रोहित के बाद किसको बनाया है नया कप्तान, क्या बदलाव हुए हैं प्लेइंग 11 में, किन 11 खिलाड़ियों को मिली है प्लेइंग 11 में जगह, सब कुछ आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर दिखाएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कि T20 वर्ल्ड कप समाप्त हो चुका है, जहां भारत की टीम ने इस बार T20 वर्ल्ड कप जीतकर सभी भारतीय फैंस को खुशी मनाने का मौका दिया और अफ्रीका के खिलाफ एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। जी हां दोस्तों, भारत की टीम ने 17 सालों के बाद में T20 वर्ल्ड कप को जीता है। ये जीत भारत की हमेशा इतिहास में लिखी जाएगी। लेकिन भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने के बाद में भारत के कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने T20 फॉर्मेट से अपने संन्यास का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एक तो विराट कोहली जैसे खिलाड़ी ने इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, जो कि किसी को यकीन नहीं हो रहा है। जिसके बाद में भारतीय टीम के कप्तान, जिन्होंने लास्ट एक साल में भारत को 3 ICC फाइनल खिलाए हैं, रोहित शर्मा, उन्होंने भी T20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, जो कि भारत के लिए काफी बड़ा झटका है, क्योंकि भारत को अब एक ओपनर के साथ साथ में एक कप्तान भी ढूंढना पड़ेगा। वही भारत के बेस्ट ऑलराउंडर्स में से एक रविंद्र जडेजा ने भी T20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। इन्होंने भारत के लिए कई मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत को जीत दिलाई है, लेकिन इन्होंने भी अब T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों ये तीन खिलाड़ी तो अब रिटायर हो चुके हैं और साथ में कोच राहुल द्रविड़ का भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और उन्होंने भी जाते जाते भारत को एक ट्रॉफी दिला ही दी है। हालांकि अब जरूर भारत की टीम ने वर्ल्ड कप तो जीत लिया है, लेकिन अब भारत का अगला टारगेट है जो जिम्बाब्वे की टीम होने वाली है, क्योंकि अब भारत की टीम को जिम्बाब्वे के साथ में 5 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। ये सीरीज शनिवार से यानी 6 जुलाई से शुरू होने वाली है। बता दें कि ये सीरीज है जो जिम्बाब्वे की सरजमी पर खेली जाएगी, जिसके लिए भारत की टीम जिम्बाब्वे भी पहुंच चुकी है, जहां इस सीरीज में भारत अपनी पूरी युवा टीम के साथ खेलने वाला है और यही टीम अब कहीं ना कहीं आगे भी खेलती नजर आने वाली है, क्योंकि अगला T20 वर्ल्ड 2026 में होने वाला है, जिसके लिए भारत अपनी बेस्ट टीम तैयार करना चाहेगा। वही इस सीरीज में भारत की टीम के कई खिलाड़ियों का डेब्यू भी होने वाला है, जहां ध्रुव जुरेल, रियान पराग, अभिषेक शर्मा, नीतीश रेड्डी और तुषार देशपांडे भारत की टीम के लिए अपना डेब्यू करेंगे। वही अगर आप इस सीरीज का हर मैच फ्री में देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां मैच से पहले हम लिंक डाल देंगे, जहां आपको बता दें कि भारत और जिम्बाब्वे का पहला T20 मुकाबला है जो 6 जुलाई को हरारे के मैदान पर खेला जाएगा। अब देखना होगा कि सीनियर प्लेयर्स के संन्यास लेने के बाद आखिरकार भारत के युवा खिलाड़ी कैसा प्रदर्शन करते हैं, जहाँ इस बार इस सीरीज में भारत के लिए शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है, जहां शुभमन गिल अपने सबसे बेस्ट 11 खिलाड़ी जिम्बाब्वे के खिलाफ उतारने वाले हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं आखिरकार किन 11 खिलाड़ियों के साथ में भारत की टीम उतरेगी मैदान पर। अगर हम टीम इंडिया की नई ओपनिंग जोड़ी के बारे में बात करें तो भारत की टीम के लिए कप्तान शुभमन गिल के साथ में यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करेंगे, जहाँ जायसवाल तो T20 वर्ल्ड के स्क्वाड में भी थे लेकिन उनको मौका नहीं मिला था। लेकिन अब जायसवाल यहाँ पर अपना अटैकिंग इंटेंट दिखाना चाहेंगे और भारत को अच्छी शुरुआत दिलाने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी ओर से कप्तान गिल भी भारत के लिए अच्छी शुरुआत करना चाहेंगे, तो ऐसे में इन दोनों पर भारत के एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी रहने वाली है, जिसके बाद नंबर 3 के पोजीशन पर भारत के लिए एक युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। ये अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और साथ में ये स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं। ये इस सीरीज में भारत के लिए डेब्यू करने वाले हैं और अभिषेक शर्मा अपने डेब्यू मैच में ही तोड़फोड़ मचाने की पूरी कोशिश करेंगे। वही अगर नंबर 4 की बात करें तो इस पोजीशन पर रियान पराग खेलते हुए नजर आएंगे।
ये भी भारत के लिए अपना डेब्यू ही करने वाले हैं। इन्होंने जो प्रदर्शन आईपीएल में किया था उसके दम पर ही इनको इस सीरीज में सिलेक्ट किया गया है। ये सीरीज में भारत के लिए अपने बल्ले से अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे और अपनी जगह भारत की T20 टीम में परमानेंट बनाना चाहेंगे। ये अटैकिंग बैटिंग के साथ साथ पारी को संभाल भी सकते हैं जैसे कोहली भारत के लिए करते थे। जिसके बाद नंबर 5 पर इंडिया के लिए इस सीरीज में संजू सैमसन खेलने वाले हैं। सैमसन को T20 वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिला था, लेकिन सैमसन इस सीरीज में बतौर अनुभवी खिलाड़ी के तौर पर खेलने वाले हैं। ये भारत के लिए मिडिल ओवर में बल्लेबाजी करेंगे और साथ में सैमसन भारत की टीम के लिए विकेट कीपिंग भी करने वाले हैं। अगर इनको आगे के लिए अपनी जगह T20 की टीम में रखनी है तो इस सीरीज में सैमसन को अच्छा परफॉर्म करना होगा। नंबर 6 की बात की जाए तो इस पोजीशन पर भारत की टीम के लिए रिंकू सिन्हा खेलेंगे। ये एक बेहद ही टैलेंटेड प्लेयर है। इन्होंने भारत के लिए कई मैच विनिंग इनिंग्स खेली है। हालांकि इनको जरूर T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन ये उसकी भड़ास है जो इस सीरीज में निकालना चाहेंगे। इनको टीम मैनेजमेंट बतौर फिनिशर के रोल में खिलाने वाली है और ये उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। इनके ऊपर भारत को एक फिनिशिंग टच देने की अहम जिम्मेदारी होने वाली है। वही अगर ऑलराउंडर की बात करें तो जडेजा की जगह पर इस सीरीज में वॉशिंगटन सुंदर खेलने वाले हैं। काफी समय से इनको भारतीय टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन अब आखिरकार काफी समय के बाद इनको मौका मिला है। ये अपने बल्ले के साथ साथ में गेंद से भी भारत के लिए कमाल करना चाहेंगे। ये भारत के लिए अंत में अटैकिंग बैटिंग करेंगे और साथ में हो सके तो पावर प्ले और मिडिल ओवर में गेंदबाजी करने वाले हैं। जिसके बाद में नंबर 8 पर भारत के लिए स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई खेलने वाले हैं। इनके ऊपर भारत को विकेट्स दिलाने की जिम्मेदारी रहेगी, खास तौर पर मिडिल ओवर में। रवि बिश्नोई है जो अपनी विकेट टेकिंग एबिलिटी के लिए ही जाने जाते हैं और ये यही इस सीरीज में भी करना चाहेंगे। बिश्नोई गेंद के साथ साथ में अंत में आकर कुछ बड़े शॉट भी लगा सकते हैं। वही अगर भारत की फास्ट बॉलिंग के बारे में बात करें तो भारत की टीम पहले T20 में आवेश खान, खलील अहमद और मुकेश कुमार को खिलाने वाली है। जरूर इन तीनों गेंदबाजों के पास में इतना अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी ये अच्छी गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। यही भारत की टीम का फ्यूचर भी है और भारत की टीम इन पर अब निवेश करना चाहेगी, तो ऐसे में फास्ट गेंदबाजी में इन तीनों की तिकड़ी खेलने वाली है। तो दोस्तों कुछ इस तरह की होने वाली है भारत की प्लेइंग 11। शुभमन गिल, यशस्वी जयवाल, अभिषेक शर्मा, रियान पराग, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, आवेश खान, खलील अहमद और मुकेश कुमार। वही इस सीरीज का हर मैच आप टीवी में सोनी स्पोर्ट्स टीवी पर देख पाओगे और अगर आपको मोबाइल में इस मैच का फ्री में लुफ्त उठाना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। मैच से पहले वहां आपको 4K लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत की टीम इस प्लेइंग 11 के साथ में अपना पहला मुकाबला जीत पाएगी या नहीं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।